इंडिया ने पहला टेस्ट मैच जीता, कोलकाता में ड्रॉ रहा पहला टेस्ट मैच, लेकिन सीरीज जीतने की तैयारी के लिए एक स्टेप उठाना जरूरी है और नागपुर में जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा उसके लिए दोनों टीमें नागपुर में जमकर प्रैक्टिस कर रही हैं। विराट कोहली की कोशिश यही होगी कि नागपुर में टेस्ट मैच जीता जाए। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि नागपुर के लिए क्या प्लान है विराट कोहली का। सर, जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच खेला गया, बेशक ड्रॉ हो गया, लेकिन जो सेकंड इनिंग में इंडिया की बॉलिंग रही, आपको लगा कि एक एडवांटेज तो इंडिया लेके जाएगी इस नागपुर टेस्ट मैच में और अपर हैंड इंडिया के पास रहेगा? और जिस तरह से सेकंड इनिंग्स में बैटिंग भी की इंडियन टीम ने, अगर आप देखें, हालांकि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर गया, लेकिन कैप्टन ने कितनी बेहतरीन तरीके से इनिंग्स को पेस किया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब आपका कैप्टन इस तरह से एक उदाहरण सेट करता है, वो टीम के ऊपर रबॉन करता है, जो कि जब इंडियन की टीम बॉलिंग करने आई थी जी, तो हमने देखा। भुवनेश्वर कुमार को तो निश्चित रूप से मिस करने वाले हैं, क्योंकि वो इस तरह के बॉलर हैं। अगर आप इस तरह के हेल्पफुल पिचेस बनाने वाले हैं तो वो बहुत ही सटीक बॉलर है ऐसी पिचेस के लिए, क्योंकि उनकी लेंथ इतनी अच्छी है, वो अपनी स्पीड बढ़ा चुके हैं और वो जो स्विंग, जो बीच उनका करियर का दौर आया था जिसमें खो दी थी उन्होंने, वो भी उन्होंने वापस पा लिया, तो उनको तो ज़रूर मिस किया जाएगा, लेकिन एडवांटेज बिल्कुल वो एक जो लय बनी है वो इंडिया के फेवर। मनी सर, भुवनेश्वर कुमार नहीं रहेंगे, आपके एक वेपन के तौर पर सामने आए, वो टेस्ट मैचेस में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, उनकी शादी है तो वो तो टेस्ट मैच में शिरकत नहीं कर पाएंगे, आपको लग रहा है ईशान शर्मा जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में अच्छी गेंदबाजी करी है, प्लेइंग 11 में चांस बन रहा है उनका पूरा? बिल्कुल 100% खेलेंगे, क्योंकि उनका सीजन इतना बढ़िया गया है। मुझे लगता है कि अगर पिच टर्निंग ट्रैक भी हुआ, जैसा कि अमूमन नागपुर में होता है, हालांकि कोच ने और कैप्टन ने कहा है कि हमें हार्ड पिच चाहिए घास के साथ, लेकिन इस तरह की पिचेज एकदम से प्रिपेयर नहीं हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है और देखना होगा कि किस तरह की पिच मिलती है। लेकिन अगर ग्रीन टॉप नहीं भी मिलती तो भी मुझे लगता है जो दो सीमर खेलेंगे वो ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी होने चाहिए, क्योंकि उमेश यादव बिल्कुल ऑफ कलर लगे थे, लेकिन अगर ग्रीन टॉप होती है तो फिर उमेश यादव, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी की जोड़ी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है भुवनेश्वर के ना होने से कि ईशांत शर्मा की भी टेस्टिंग हो जाएगी और पता चल जाएगा कि किस तरह से बाकी फास्ट बॉलर्स के साथ कॉम्बिनेशन में वो बॉलिंग कर पाते हैं। जी, स्पिनर्स का रोल क्या हो सकता है मनी सर, क्योंकि पिछले इनिंग में बहुत हमने देखा स्टैट्स जो सामने आए कि ऐसा बहुत कम हुआ कि 17 विकेट आपने लिए, स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिला, आपने गेंदबाजी भी नहीं करवाई स्पिनर से, तो उनका क्या होने वाला है सीरीज में, क्योंकि अश्विन जब सीरीज शुरू हो रही थी हम कह रहे थे 300 विकेट के लिए उनको 8 विकेट चाहिए, जडेजा आपके उनसे ऊपर रैंकिंग में है। देखिए, ये बारिश का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि पहले दो दिन अगर आप देखें कितना खेल हुआ, ज़्यादा खेल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर जो था पिच में वो बना रहा, और फिर जब धूप पड़ी वो सूख गई, हार्ड हो गई पिच, पिच के ऊपर घास थी तो सीमर्स को ही मदद मिलती रही। दूसरा, कुछ ना कुछ कैप्टन का सोचना भी मुझे लगता है इस तरह था कि अगर मॉइस्चर है तो केवल सीम बॉलर्स विकेट्स ले सकते हैं, इसलिए शायद अपने स्पिनर्स पर भरोसा दिखाया भी नहीं, और जब उनको लाए तो स्पिनर्स की बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं लगा कहीं भी कि कैप्टन ने उनको कॉन्फिडेंस दिया हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल, और जिस तरीके की पिच थी, जिस तरीके की कंडीशंस थी, फास्ट बॉलर्स ने वहाँ पे करके दिखाया, इंडिया मैच नहीं जीती लेकिन 7 विकेट जो लिए उसने बताया कि कितना पोटेंशियल है भारत के तेज गेंदबाजों में। चलिए बात ओपनर्स की भी करते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ही बॉलिंग से नहीं जा रहे हैं, बैटिंग की भी अगर बात करें तो शिखर धवन वहाँ पे नहीं होंगे, और ऐसे में मुरली विजय एक बार फिर से ओपनिंग के स्लॉट में नजर आएंगे। शायद सर ऐसा क्रिकेट में कम ही होता है कि एक ओपनर प्लेइंग 11 में इसलिए आएगा क्योंकि दूसरा जो उसका जोड़ीदार है उसको उसे बाहर करना है और उसके लिए उसको रन स्कोर करने पड़ेंगे। ये अच्छा कंपटीशन है, ये अच्छी सरदर्द है कैप्टन्स के लिए और खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन चैलेंज है। ये इंडियन टीम की इस समय बेंच स्ट्रेंथ है जी, कि आप किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में मुझे लग रहा था मुरली विजय को खिलाया जाएगा क्योंकि वो सीनियर ओपनर हैं और इंजरी की वजह से बाहर हुए थे, जिसकी वजह से राहुल को मौका मिला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये देखने वाली बात होगी कि ये दोनों किस तरह से ग्रैप करते हैं इस सिचुएशन को। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्ट राइट का जब कॉम्बिनेशन होता है तो बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है एडजस्ट करना, जो कि हमने सेकेंड इनिंग्स में देखा था पहले टेस्ट मैच में किस तरह से परेशानी में डाल दिया था, दोनों ने एक बड़ी पार्टनरशिप की थी। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा मुरली विजय के पास है कैश इन करने के लिए, अगर रन्स बनाते हैं तो मुसीबत पैदा कर देंगे कोच और कैप्टन। लेकिन एक चीज़ भी है मनी सर, दबाव दोनों ओपनर्स पर होगा क्योंकि मुरली विजय का स्लॉट लोकेश राहुल ने लिया और आपको साउथ अफ्रीका जाने के लिए ये एक सीरीज है जहां आपको दावा पेश करना है, तो उनको रन बनाने पड़ेंगे। लोकेश राहुल के साथ प्रॉब्लम ये है कि बड़ी इनिंग नहीं बना पा रहे हैं, अर्धशतक से काम नहीं चलेगा अगर आपको टेस्ट क्रिकेट में खुद का प्लेस सीमेंट करना है तो। लेकिन पिछली 9 इनिंग्स में देखें तो उन्होंने 8 अर्धशतक लगाए हैं, जिससे कि पता चलता है कि उनके अंदर क्वालिटी है, उसे बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। और इंग्लैंड के जो रूट के साथ भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन जब उन्होंने शतक लगाने शुरू किए तो फिर शतक लगाते चले गए। केन विलियमसन के साथ भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी शुरू में। केएल राहुल के ऊपर काफी भरोसा है विराट कोहली को, वो उनको कह भी चुके हैं कि वो उनका खेल उनको पसंद है, इसीलिए शायद उनको तरजीह दी गई थी पहले
टेस्ट मैच में मुरली विजय के ऊपर, लेकिन मुरली विजय को भी पसंद किया जाता है, टेक्निकली भी साउंड है। सो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ग्रैब करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। सो ये मुझे लगता है, मुझे मज़ा आता है इस तरह का कॉम्पिटिशन देखने में, जो जब एक प्लेस के लिए दो खिलाड़ी लड़ रहे हों और वो एक ही मैच में उतरे। जी हाँ मनी सर, और खास बात ये भी कि मुरली विजय रन स्कोर करके आए हैं तो उनके पास एक कॉन्फिडेंस तो जरूर होगा, क्योंकि 142 रन की उन्होंने इनिंग खेली रणजी ट्रॉफी में, और ये कॉन्फिडेंस वो जरूर अपने साथ लेंगे इस टेस्ट मैच में जब उतरेंगे। देखिए, आपने अगर रन्स बनाए हो, आप लय में हो, तो उसका फर्क तो पड़ता ही है जब आप मैचेस में उतरते हैं। हालांकि टेस्ट मैच क्रिकेट में प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, रणजी ट्रॉफी में अगर आप देखें तो किसी भी एक टीम के पास एकाधि बॉलर ऐसा होता है जो विकेट टेकिंग बॉलर होता है, तो आप उनको ज़्यादा कैश इन कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके पास एक के बाद, हालांकि श्रीलंका के पास ऐसे बॉलर्स नहीं है कि एक के बाद एक ऐसे बॉलर्स आ रहे हो जो आपके ऊपर दबाव बना के रखते हैं, लेकिन फिर भी एक इंटरनेशनल अटैक है, एक इंटरनेशनल प्रेशर है, और फिर आपको बाहर रखा गया है, केएल राहुल को आपसे पहले खिलाया गया है, सो वो भी प्रेशर होगा। लेकिन फिर बात यही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, आप प्रेशर्स को कितना बेहतरीन तरीके से हैंडल करते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है। और अगर उस प्रेशर को आप हैंडल करके रन्स बना के आगे आते हैं तो आप टीम मैनेजमेंट को भी कॉन्फिडेंस है। जी हाँ, और खास बात दोनों की, दोनों स्ट्रोक प्लेयर हैं, लोकेश राहुल और मुरली विजय तो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो वो जरूर चाहेंगे कि जो उनका स्लॉट है, जिस फॉर्म ऑफ क्रिकेट वो खेलते हैं, वो उस फॉर्म ऑफ क्रिकेट से कम बाहर ना हो, वो उस स्ट्रेटजी में रहें, वो उस प्लेइंग 11 में रहें। मनी सर क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? इंग्लैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सीरीज ऑस्ट्रेलिया में खेलनी है, और अगर बॉलिंग लाइनअप देखें दोनों टीम की बड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। मिचेल स्टार्क हैं, पैट कमिंग्स हैं, जॉस हेजलवुड है, नेथन लायन, इधर अगर देखें जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, क्रिस वोक्स, मोइन अली, और जिस तरह की पिच के ऊपर मैच हो रहा है, ये दुनिया की सबसे तेज तरार पिच मानी जाती है, ऐसी पिच के ऊपर फास्ट बॉलर्स की अहम भूमिका रहने वाली है। और मोइन अली को, जो इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं, उनको हमने देखा है कि अच्छी अच्छी पिचेस के ऊपर वो विकेट्स लेके देते हैं अपने कैप्टन को। बेन स्टोक्स को कहीं ना कहीं मिस करेंगे, लेकिन अगर इस पूरी सीरीज में देखें, अगर 100% फिट हुए मिचेल स्टार्क जी, तो वो एक डिफरेंस पैदा करने वाले हैं, क्योंकि जैसी उन्होंने वापसी की, उन्होंने हैट्रिक ली दोनों इनिंग्स में, मेरे ख्याल से हैट्रिक ली शेफील्ड शील्ड में, सो वो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे और उनको तैयार कर रहे हैं। पिछले 6-8 महीने से क्रिकेट भी नहीं खेलने दी, पूरी तरह से उनकी फिटनेस के ऊपर काम किया जा रहा है, एशेज के लिए तैयार किया जा रहा है। सो मेरे हिसाब से जो मेन डिफरेंस होगा दोनों टीमों में, वो होगा मिचेल स्टार्क क्या कर पाते हैं। मनी सर, टॉप ऑफ द ऑर्डर डेविड वार्नर, उनकी चोट तकलीफ देगी ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि आपने बहुत सारे ओपनर्स ट्राई कर लिए हैं वहाँ पे, जो बर्न्स को आप लाए, क्रिस रॉजर्स थे वहाँ पे, शॉन मार्श को आपने ट्राई किया, तमाम ओपनर्स आपने ट्राई कर लिए, लेकिन डेविड वार्नर का आपको पार्टनर नहीं मिला। और अब डेविड वार्नर अगर नहीं होंगे टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो इंग्लैंड की तो बल्ले बल्ले। बिल्कुल, देखिए उनका एक्सपीरियंस तो बहुत काम आता है, और उनकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि वो खुद तो रन्स बनाते हैं, लेकिन ओपनर्स हालांकि उनके रन्स नहीं बना रहे, लेकिन नंबर 3 पर जो बैटिंग करने आते हैं स्मिथ या जो भी आते हैं, उसके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं। सो ये डेविड वार्नर की खास बात है कि अपने अनुभव का वो पूरा इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल बहुत बड़े मिस होंगे अगर वो इंजरी की वजह से नहीं खेलते हैं, तो फिर मैं कहूँगा इंग्लैंड का पलड़ा भारी। जी हाँ, ग्लेन मैक्सवेल को उनके कवरअप के तौर पे बुलाया गया, लेकिन मनी सर आपको लग रहा है कि एक प्लेयर ऐसा भी है इस दोनों टीमों में से, एलिस्टर कुक की मैं बात कर रहा हूँ, रन्स उनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन ये एशेस डिसाइड करेगी कि एलिस्टर कुक का भविष्य क्या होने वाला है इंग्लैंड के लिए। वार्म अप गेम्स में भी उन्होंने कोई खास रन्स नहीं बनाए, और अब वो बात नहीं रही है कुक में जो पहले हुआ करती थी, जब भी मैदान पर उतरते थे आप गारंटी से कह सकते थे कि ये रन्स बनाएंगे, वो चीज़ नहीं रही है, वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है इंग्लैंड के लिए। क्योंकि रवि, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपके ओपनर्स रन बना के देते हैं या पहले 3 बैट्समैन में एक पार्टनरशिप होती है, तो बड़ा स्कोर बना सकते हैं या बड़े स्कोर्स चेज कर सकते हैं। सो एलिस्टर कुक का किस तरह की फॉर्म रहती है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। हालांकि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि वार्म अप गेम्स में उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन उनका पता है, मेंटल स्ट्रेंथ का पता है, जब क्रंच गेम्स आती है तो उनका हमें पता है कि कितने बड़े बड़े रन्स वो बना सकते हैं, और उनका रन्स बनाना इंग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, और हमेशा से एशेज को कहा जाता है मनी सर, कैप्टन्स बैटल यहाँ पे होता है, तो जो रूट वर्सेज स्टीव स्मिथ, ये भी एक लड़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर 4 बैटर्स की हम बात करते हैं, केन विलियमसन, विराट कोहली, जो रूट, स्टीव स्मिथ, तो उसमें से 2 बड़े बैटर्स के बीच में भी जंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। डिपेंड करेगा रन्स कौन बनाता है इनमें से, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। जो रूट काफ़ी कंसिस्टेंट है, अगर आप स्मिथ की बात करें, हालांकि टेस्ट मैचेस में उनकी एवरेज लगभग 55-60 की है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखें तो उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, उनकी वो इतनी अच्छी लय में नहीं है, लेकिन जो रूट बेहतरीन लय में है। सो ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये कैप्टन्स के ऊपर तो बहुत कुछ निर्भर करता है हर सीरीज में कि आपका कैप्टन क्या करता है, क्योंकि कैप्टन लय में ना हो तो फिर टीम को लय में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है कैप्टन के लिए। चलिए एशेज, और इस पे आप हमारी कवरेज देखते रहेंगे न्यूज़ नेशन पर लगातार। मनी सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।